वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे मैथ्स एनसीईआरटी 10th का है, चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.1, जिसका क्वेश्चन है, यहाँ चैप्टर का नाम है ट्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में हमें दे रखा है साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड दे रखा है साइन सी कॉस सी। तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसका कोण बी समकोण है। तो हमने एक डायग्राम बनाया ये वाला, जिसमें बी समकोण दिया है और उसमें इसकी वैल्यू रख दी। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर था, ये हमने ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर रखा। एंड सेकेंड यहाँ दे रखा बी सी, तो बी सी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमें फाइंड करना है ए सी। सबसे पहले हम ए सी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम फाइंड कर सकते साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसका एक सूत्र होता है, सूत्र लिखेंगे ए सी स्क्वेयर बराबर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में हम इसे इसका फर्स्ट एंड सेकंड जो दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो ए सी हमें फाइंड करना है, या ए सी हम फाइंड करेंगे, तो ए बी हमें दे रखा है 24 का स्क्वेयर प्लस बी सी हमें दे रखा है 7 का स्क्वेयर। तो 7 का स्क्वेयर निकाला। अब सबसे पहले स्क्वेयर सोल्व करेंगे, 24 का स्क्वेयर है तो 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और एक 9 एंड 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो 6 9 और 8 17, ये हो जाएगा 5 7 6। इसका स्क्वेयर हमने निकाला तो हम लिखेंगे ऐसे ए सी स्क्वेयर 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर है, तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 ज़ा 49। ठीक, अब इन्हें प्लस करना है, यहाँ प्लस है, दोनों को प्लस कर लेंगे ए सी स्क्वेयर, ये हो जाएगा 5 7 से 49 हो जाएगा 625, 625 हो रहा है। इन दोनों का प्लस करा तो 625 आ रहा है। अब यहाँ ए सी स्क्वेयर है तो स्क्वेयर है, स्क्वेयर को आगे भेजेंगे ए सी यहीं रहेगा, स्क्वेयर आ जाएगा अंडर रूट। जब बराबर के आगे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, यहाँ स्क्वेयर था इधर आके अंडर रूट में आएगा, तो 625 अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट निकालना है तो 625 का अंडर रूट निकालेंगे पहले, 625 इसका अंडर रूट, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से निकालना पड़ेगा, तो 5 1 ज़ा 5, लेकिन 6 है, 1 बज गया, 1 इसको दिया, तो 5 2 ज़ा 10, फिर 2 बज गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर लास्ट में 5 आ रहा 5 ले लेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ इसके पेयर बन गए ये एंड ये, तो 5 मल्टीप्लाई 5 ये हो रहा है 25 इजिकल टू 25, तो ए सी आ जाएगा ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर दे देंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले हम बताएंगे इसे, ये होगा बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं आधार, ये होगा परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहेंगे लंब, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो इस बेस इसको हम चेंज करेंगे साइन ए में, तो हम फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट हमें दे रखा साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होगा, साइन ए का यहाँ पर फॉर्मूला होगा इस बेस पर, तो हाइपोटेन्यूज आधार और लंब, तो वो होता है लम कर्ण और लम।
लंब अपान कर्ण, ये इसका फॉर्मूला है साइन ए का। तो ये हो जाएगा, लंब होगा इसमें, लंब दे रखा है बी सी और कर्ण दे रखा है सी ए, तो बी सी और ए सी या सी ए एक एक ही है। तो ये हो जाएगा बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसे रफ कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क था, इसे रफ कर लेते हैं। सेवन एंड ए सी है हमारा 25। ऐसे ही सेकेंड साइन ए हो गया, अब कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए, कॉस ए बराबर उसका फॉर्मूला होगा आधार अपॉन कर्ण, आधार बटे आधार अपॉन कर्ण। आधार है हमारा, आधार ए बी अपॉन में कर्ण है ए सी, तो ए बी होगा, ए बी है 24 और ए सी है 25 एंड ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट सेकेंड दे रखा है, सेकेंड ले लेंगे, सेकेंड में दे रखा है साइन सी, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा आधार अपान कर्ण, तो आधार हमारा आधार है ए बी और ए सी, तो ये हो जाएगा 24, आधार है 24 और अपान में ए सी है 25 एंड सी वाला कॉस सी, इसका फॉर्मूला होगा लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण, तो लंब अपान कर्ण होगा बी सी और ए सी, तो बी सी होगा 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर एंड और ए सी होगा 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए, ये फर्स्ट का आंसर है और ये सेकेंड का आंसर, ये दोनों के इसके आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।